हमने क्या क्या सिखाया, बैकवर्ड डिफेंस, हेड से कैसे बचेंगे, और स्ट्रेट ड्राइव का थोड़ा ग्रिप सेट और फील्डिंग प्रैक्टिस. पिछले वीडियो में 50 व्यूज थे पर सिर्फ 7 लाइक्स थे, ये 8 लाइक्स थे, इसमें एक भी नहीं था तब भी 8 ही लाइक्स थे. हमारे हमारा सब्सक्रिप्शन ही 24 है पर वीडियो लाइक्स 8 ही है. अरे भैया यार क्या बात है, ये देखिए तो एक बंदे ने एक को किस फैमिली में कॉल करके बोला था कि आपको हेलमेट और पैड दिखाई देना, ये रहा मेरा हेलमेट और डीएससी की और मैं नहीं पहन रहा और ये वॉच हो गया. यस आपको वीडियो अच्छा लगा तब भी आप एक चीज तो बताइए कि वीडियो अच्छा लगा या गंदा लगा, डिसलाइक तो जो बहुत अच्छा चीज है आप अब सब कुछ कमेंट में बता सकते हो और कमेंट कर लीजिए. और एक और चीज बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, हाँ डिसलाइक किया तब भी कोई बात नहीं, हम हमारी गलतियों को इम्प्रूव करिए और लाइक किया तो पता तो दो वीडियो अच्छा है या गंदा है, प्लीज लाइक कर दीजिए. ठीक है, आज हम क्या कैसे खेलते हैं, स्पिन को कैसे खेलते हैं, यॉर्कर को कैसे खेलते हैं और क्या बोल रहे थे, लेफ्टी कैसे खेलते हैं और लेफ्टी लास्ट सेक्शन को देख के नाराज मत हो जाइए, हम दोनों को इतना अच्छा लेफ्टी नहीं आता. अब यही सिखा रहे हैं कि जो राइटी है और उसको लेफ्टी खेलने का मन है तो वो ट्राई क्या कर सकता है, और हम इतना बढ़िया नहीं सिखाएंगे तो प्लीज थोड़ा तो क्या बोल रहे हैं कि एक चीज बताया मतलब कि लेफ्टी एक चीज कमेंट में बताया जाए कि हमने लेफ्टी के बारे में कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया. ठीक है, वो तो लास्ट सेक्शन है, अब पहले यॉर्कर को कैसे खेलेंगे वो दिव्यांशु सिखाएगा. तो मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ. एक चीज इम्पोर्टेंट चीज है कि यॉर्कर स्पिन दोनों को कैसे खेलेंगे, बस शॉट का नाम और एक बार उसको खेलते देंगे, सिर्फ एक दो बार खेलते दिखाएंगे उस शॉट को और मतलब एक बता देता हूँ. यॉर्कर को कैसे खेलेंगे, फ्लिप करके एक नाम होता है मतलब एक शॉट होता है, तो हम सिर्फ आपको फ्लिक बोल के नाम को बोलेंगे और एक बार दिव्यांशु उसको खेल के दिखाएगा, पर कैसे खेलेंगे अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अगले मतलब अगले ही वीडियो में थोड़ा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम बाहर जाते हैं, एडिटिंग प्रॉब्लम सब कुछ है. तो क्या बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, तो सिर्फ फ्लिक करेंगे, फ्लिक बताएंगे कि फ्लिक खेल सकते हैं ये बताएंगे और फ्लिक एक बार खेल के दिखाएगा और फ्लिक कैसे खेलते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे. तो शुरू करते हैं. भाई जी आपको बहुत ही अच्छी बताओ, मैं गया था शायद देखो एक चीज हो गया, मैंने कैबिन में अपने पैड रखे और अपना हेड के साथ मेरा हल क्या हुआ चूहे का हल. चलो ठीक है शुरू करते हैं. हाँ यॉर्कर एक और चीज बोल रहा हूँ, यॉर्कर कैसे डालेंगे हम हमारे अगले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि अगले हाँ बॉलिंग सेक्शन में एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि बैटिंग के साथ अगले वीडियो से हम बॉलिंग भी करेंगे जैसे हमने बैटिंग के साथ फील्डिंग किया था. फील्डिंग और ज्यादा बहुत ज्यादा चीज है वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम. अरे यार हेलमेट ही तो पहनना है सही से बात है. ठीक है फिर और ये हेलमेट पहनने में इतना देर लगता है, ऐसे मन में ऐसे लगता है कि ये MS धोनी है जो ग्लव्स पैड और सबके साथ ही खेलता है. हाँ कुछ ज्यादा हो गया. अरे भाई जल्दी हेलमेट पहनने में इतना टाइम, बिना बिना लॉक के खेल लेना. ठीक है पर जिससे बॉल जाने का लगभग ऐसे पहुंच सकती है और अगर यहाँ पे और
इतना ही सारी यहाँ पे आए तो आप स्वीप मार सकते हैं और रिवर्स स्वीप ऑल्सो, और अगर यहाँ पे आए ऊपर स्प्लिट, और अगर सीधा यहीं पे ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट, उसे ही वैसे बोल रहा है वो। गाइस देखिए, अरे बॉल बाहर चला गया उठा। हाँ ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है यॉर्कर खेलने के लिए, या तो हमें बहुत पीछे होना चाहिए, बहुत मतलब नहीं कि हिट विकेट हो जाओ, पीछे होना चाहिए जिससे यॉर्कर ऑफ बॉलिंग मतलब स्लॉट में बदल जाए, और नहीं तो आगे होना चाहिए जिससे यॉर्कर यॉर्कर वो लो फुल टॉस, लो फुल टॉस हो जाए, जिससे आपको और थोड़ा सा आसानी हो सकते है। देखिए ये पीछे ही खड़ा होता है, ये इतना पीछे खड़ा होता है कि विकेट में हिट विकेट हो जाता, पर हिट विकेट नहीं होता है, एक बार भी नहीं हुआ ये, तो ये ट्रिक अच्छा होता है। देखिए बार 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 ही पीछे खड़ा है और ये यॉर्कर को हॉफ बॉल में बदल दे रहा है। ठीक है, देखिए फ्लिप फ्लिप, इससे एक चीज अच्छा होता है आगे पीछे खड़े होने में फ्लिप मारने का आसानी होता है। इधर जो इधर में आती है जो सीधा हमारे पैर में आ जाती है उसको डिफेंड करते हैं, डिफेंड नहीं आप उसको स्ट्रेटर में बना सकते हैं। दिखाइए, देखिए स्ट्रेटर लगा, स्ट्रेटर कर रही हूं, ये तो नहीं लगा गाइस, मैं ऐसे लगता है मेरे एज बहुत बड़े एज और मेरे स्कूल की छुट्टी वीडियो में बताता आपको। ओ भाई ये तगड़ा शॉट लगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि यॉर्कर लोग कैसे कैसे खेलते हैं, पता है इस बार इधर रिकॉर्ड सिर्फ ये पहले ही खड़ा हो गया क्योंकि इसको पता ही था मैं यॉर्कर ही डालना हूँ, पर आप ऐसे पहले मत खड़ा हो जाइए, आप पहले खड़ा मत हो जाइए, जैसे कि मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ तो बॉलिंग डालते बॉल आने से पहले ही वो खड़ा हो गया, ऐसे हो गया तो बॉलर को पता चल जाएगा सीधा विकेट में डाल देगा बोल्ड हो जाएगा, तो बॉल डालने के बाद मतलब मेरे हाथ से बॉल छूटने के बाद ही आप रिएक्ट करोगे। गाइस यहाँ जगह नहीं है, वी आर सॉरी फॉर दैट, बॉल असली में बॉल बॉय नहीं है पर हमें हेल्प कर रहा है। देखिए ये शॉट जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला लेट स्क्वाड ड्राइव, तो अभी नाम तो नहीं स्क्वाड ड्राइव ही है, ठीक है स्ट्रेट ड्राइव। यॉर्कर में तरह तरह के शॉट मार सकते हैं, थोड़ा बैंड आ गया यार तो की तो हम तेज बात कर लेंगे, समझ आ गया ये था खुद शॉट। देखिए स्ट्रेट ड्राइव, अरे ये तो चलो ठीक है बैंड चला गया, तो ये लास्ट शॉट ये मार के देखेगा, दिखाएगा अपना फ्लिप के तरह वाला शॉट। देखिए ये यॉर्कर में लगा था जो पीछे खड़ा था, हाँ तो यहाँ पे मिडिल, हाँ तो ठीक है आपको समझ आ गया होगा, अब मैं स्पिन कैसे खेलते हैं वो सिखाऊंगा, और बैट और बैट और सॉरी बैट और हेलमेट नहीं बना, मेरे लिए छोटा है तो सिर्फ हेलमेट उतार, पैर में लगे मारे लग गया, तू जरूरत नहीं है भाई मतलब तेरे भी दौड़ अच्छा हाँ छोड़ छोड़ ऐसे रहने दे छोड़ हाँ ठीक है। गाइस पहली बार हेलमेट और पैड लगा दे, हेलमेट नहीं ऐसा एक टाइम फ्यूचर में आएगा, हां जो बहुत बार कमेंटेटर बोलते सुना होगा, ठीक है ठीक है तो मैंने अपने एंड से कैसे बचेंगे वाले उसको बोल रखा है कि हमेशा लेट खेलना है, वो स्पिन के साथ भी एप्लीकेबल होता है, जैसा मिस्ट्री स्पिनर नाम होता है सीवी वरुण और सुनील नारायण, ये दो लोग है ना जो ये मिस्ट्री स्पिन डालते हैं लेग स्पिन और फिर फ्लिपर सब कुछ डालते हैं, तो उसके लिए आप लेट खेलोगे तो पता चल जाएगा, ये भी मिस्ट्री स्पिन डालता है मतलब दोनों स्पिन डालते हैं। बॉल को देख सकती है और इसी को नहीं देखना पड़ेगा।
राइट हैंड को ऊपर पकड़ते हो, लेफ्ट हैंड को नीचे
ऊपर रख के, हाँ जैसे स्टैंड रहते वैसे ही। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो ज्यादातर नहीं क्या बोलते लेग साइड स्ट्रांग होते हैं और कवर ट्राइड स्ट्रांग होते हैं। मैं ये चीज सही बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन मेरे को पता है कच्चा अच्छा वाह ठीक है, पर वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में लेग साइड में स्ट्रांग है, पर मैं लेफ्ट हैंड खेलता नहीं हूँ, राइट हैंड में तो दोनों खेल पाता हूँ। देखिए इसको ऑफ साइड में खेलना ही नहीं था, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ वो अभी अभी लेफ्टी सीख रहे तब भी उसने खेल लिया ऑफ साइड, और लेफ्ट हैंडर इस सेगमेंट को देखकर नाराज होते हैं। और ये चीज जरूर बता दीजिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन कि हम दोनों ने मिलकर लेफ्ट हैंडर्स के बारे में अच्छे से, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के बारे में अच्छे से सिखाया है कि नहीं, और उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए हाँ ये तो इसका एक बार, मेरे को राइट हैंड में बहुत तेज लगते हैं, लेफ्ट हैंड में बहुत कम लगते हैं। अब मैं पैड पर डाल के दिखाऊंगा जिसे आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंडर पैड में बहुत स्ट्रांग है। अरे तू यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ जगह नहीं है ना, मैं ना डाल नहीं सकता, हाँ वहां खड़ा हो जा। देखिए ये लेफ्ट हैंडर नहीं है तब भी खेल पा रहा है बहुत अच्छे तरह से। हाँ तो पावर कम आ जाता है क्योंकि उसका असली है लेफ्ट नहीं है ना। देखिए ये स्ट्रेट मार पा रहा है, एक और बॉल वापस स्ट्रेट मार पा रहा है। हाँ जैसे हमने बोला था क्योंकि इसके कि गाइस मैं इसको अभी फ्री मारते हाँ। देखिए ये लेफ्ट हैंडर नहीं है तब भी ये फ्लिप मार सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड की पैड भी स्ट्रांग होते हैं, पर ये पावर नहीं दे सकते क्योंकि ये इसका डोमिनेंट हैंड राइट है। हाँ अब मैं हाँ एक लास्ट शॉट स्ट्रेट में मार के दिखाएगा, ये इससे होता है कि इसको स्ट्रेट अच्छा आता है। ठीक है अब मैं मेरा शॉट दिखा देता हूँ, मेरे को भी आ गया। अरे यार यहाँ से निकल तो बाहर चला
आएगा शॉर्ट बॉल में अपर कट अच्छा होता है जो मैं बाद में सीखूंगा। ये तो पर मेरा बहुत अच्छा आता है, मेरा फेवरेट है। यही शॉर्ट बॉल होता है इससे पता चला तेरे में शॉर्ट बॉल अपर कट नहीं आता। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, बुमराह, विराट कोहली। अरे भाई देखिए बढ़िया लगा, ये तो एक तरह से फोरहैंड स्मैश था। ओ तगड़ा शॉट लगा। ठीक है मैं अपना लास्ट शॉट दिखा दूंगा, अपना फुल लेफ्ट हैंड वाला। ओके एक शॉट दिखा दे, वेट कर। अच्छा कट, हां थोड़ा धीरे ना, लेट कट, हां थोड़ा धीरे ना, लेफ्ट से तुमने सिखाया ही नहीं, लेफ्ट ही में। अबे अच्छा हुआ बाहर नहीं गया, ये धीरे ही था भाई। थोड़ा इधर आ, ओ लेट कट लगा। अच्छा ठीक है अब मैं अपना लास्ट पुल दिखा दूंगा, मैं लस्सी क्योंकि हम गाय लस्सी ले रहे हो। शॉर्ट बॉल डाल दे और अब राइट स्टार्ट फिर शॉट कैच भी पकड़ा। मैंने बोला ना मेरा लस्सी सॉरी मेरा पुल लच्छा और पुल लट्टी। चलो गाइस, चलो गाइस हम लोग एंडिंग करते हैं आज के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जो हमारी परसों आ जाएगी। हाँ परसों आ जाएगी। जैसे मैंने बोला लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में होता है बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए। और मैं बोल रहा हूँ जो मेरे को लाइक जरूर कर दीजिए। सो गाइस टाटा बाय बाय, एंडिंग ऑफ आवर न्यू वीडियो। सो टाटा टाटा बाय बाय एंड गुड बाय। बहुत बढ़िया।